Krishnan here और आज हम बात करने वाले हैं असुर वेब सीरीज के बारे में। होती है ना कुछ वेब सीरीज जो आपके दिमाग के पुर्जे हिलाने का काम करती है, मतलब वो आपके दिमाग में इतना घुस जाती है कि आपके दिमाग से खेलने लगती है। आपको थोड़ा टाइम पर समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली सही क्या है और गलत क्या है। आप उस वेब सीरीज में अपने आप के अंदर की भी शैतान को देखने लगते हैं और कुछ ऐसी चीजें सामने निकल के आती है या वो मजबूर कर देती है आपको ये सोचने के लिए क्या ये सही है या गलत है। तो असुर वेब सीरीज आपके इन सारी चीजों पर बिल्कुल खरा उतरने का काम कर रही है। फिल्म की कहानी का ट्रैक कुछ ऐसा है कि एक छोटा बच्चा रहता है जो बढ़ रहा है, थोड़ा अननॉर्मल टाइप का है और वो बहुत जल्दी क्रोध कर रहा है, ठीक है। तो इस चक्कर में उसका पिता उसे असुर असुर कहता है। अब पापा पंडित रहते हैं, इस चक्कर में वो देवी और ग्रंथ वाले पुराण को घुसेड़ के उसको असुर असुर कहते हैं। पर बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने मतलब ना बचपन अपनी इतने अंधेरे में जीता है कि उसे मतलब बुरा ही दिखता है, हर चीज बुरा ही दिखता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने पापा को मार देता है। अब फिल्म की कहानी का ट्रैक यहाँ से बदलता है जहाँ हमें अरशद वारसी की एंट्री होती है वेब सीरीज में। वह मतलब एपिसोड दर एपिसोड इतनी इंटरेस्टिंग होती जाती है वेब सीरीज कि आपको देख के लगता है भाई कौन है विलन आखिर। तो देखिए, अब जो अरशद वारसी रहते हैं वो बच्चे को डाल देते हैं जेल में उनकी उम्र बढ़ा के। चाहते तो उनको चाइल्ड केयर में डाल सकते थे क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था और उसकी चाइल्ड केयर हो सकती थी, बट उसको डाल देते हैं जेल में। अब यहाँ जेल में तैयार होती है असुरों की टीम। अब फिल्म की कहानी का ट्रैक ये आता है कि एक के बाद एक मर्डर होते जाते हैं। अब इन मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आते हैं वरुण सोबती, जो कि पहले सीबीआई में थे फिर एफटीआई चले गए और इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वापस से अरशद वारसी को ज्वाइन कर रहे हैं सीबीआई में। अब दोनों ऑफिसर्स मिलके इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने का काम करते हैं। कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने आती हैं कि दोनों ऑफिसर एक दूसरे के सामने तक खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं ना, इसमें जो मर्डर कर रहा है ना, जो विलन है वो कोई पुराने हथियारों का यूज नहीं करता कि यार गला काट दिया या फिर कुछ मार दिया या चाकू घोप दी, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब बोलते ना साइंस को यूज करके लोगों को मारता है, मतलब पता भी नहीं चलता लोगों की मौत हो जाती है। और कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं साइंस के बारे में जो हम नॉर्मल यूज नहीं करते और लोगों की डेथ भी बड़ी आसानी से हो जाती है इससे। मतलब कुछ ऐसे दिमाग को हिला देने वाले सीन से, मतलब ऐसी जगह पे दिखाया जाता है कि इंसान को पूरा जला दिया गया है, कहीं उसका कंकाल दिखाते हैं। मतलब आपको दिमाग का थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है वेब सीरीज, बाकी ओवरऑल इंटरेस्टिंग है। बाकी इस वेब सीरीज को आईएमडीबी ने 9.8 रेटिंग देने का काम किया है और फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप भी देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। और बात कर लेती हूँ हम डायरेक्शन काफी उमदा किया गया है वेब सीरीज का। आप पूरे टाइम एंगेज रहते हैं इससे और आप समझ नहीं पाते कि आखिर विलन कौन है। विलन को सोचने के चक्कर में आपका पूरा टाइम पूरा ध्यान ना उसी पर रहता है, आप मतलब आप भटकते नहीं है स्टोरी से। बाकी जो वेब सीरीज की लेंथ है ना वो काफी लंबी है, मतलब शुरू के जो एपिसोड हैं वो 40 से 50 मिनट के हैं, तो आप उनको 30 से 35 मिनट का कर सकते थे। बाकी मूवी बहुत ही इंगेजिंग है। बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की। तो स्टार कास्ट के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं अरशद वारसी। अरशद वारसी इस वेब सीरीज में है और एक कॉमिक रोल में नहीं है, वो भी सीरियस रोल में है और बहुत ही उमदा रोल है उनका। बाकी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है उनका वेब सीरीज में। और बोलते हैं ना, जाते जाते अपने पीछे को निशान छोड़ जाना, मतलब फर्स्ट मूवी खत्म हुई है और निशान छोड़ गई है सेकेंड का, मतलब इसका सेकेंड सीजन भी आएगा असुर का, जिसमें शायद अरशद वारसी विलन बन सकते हैं, कुछ ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। अब ये सही है कि नहीं वो तो सेकेंड सीजन आएगा तब पता चलेगा। बाकी हमें अरशद के साथ देखने को मिल रहे हैं वरुण सोबती, जो कि अपने रोल को काफी अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। तो बाकी आप इस वेब सीरीज को क्यों देखें? तो आप किसी अच्छी वेब सीरीज को देखना चाहते हैं, मतलब अच्छी सस्पेंसर थ्रिल मूवी को जिसमें लॉजिक भी है और बोलते हैं ना सही ढंग से जा रही है, इलॉजिकल तरीके से कुछ नहीं होता, सब कुछ लॉजिकल तरीके से और साइंस को जिंदा रखते हुए, तो हाँ आप ये वेब सीरीज देख सकते हैं। फिर जाने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि जब भी कोई न्यू वेब सीरीज रिलीज होती है तो उसकी अपडेट मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो बने रहिए मेरे।